नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। शुक्रवार रात को ढोल के सरदारपुरा में पैंथर ने किया गाय का शिकार। मंगलवार रात को पैंथर ने पदराड़ा में किया गाय के दो बच्चों का शिकार। राठौड़ों का गुड़ा में दिखे पैंथर के पग मार्क, अब विभाग ने लगवाए सीसीटीवी कैमरे। विस्मा में किया टीन सेट का उद्घाटन, भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता। कासू कथोड़ी को मिले 2 लाख रुपए। गोगुंदा में हुई वेटरिनरी मोबाइल वैन की शुरुआत। सरिया देवी गरबा मंडल में आई मां काली। अब सायरा ब्लॉक में पैंथर का आतंक बढ़ता जा रहा है। ढोल ग्राम पंचायत के वाटों का गुड़ा व मुख्य गांव ढोल में पैंथर कई हमले कर चुका है। यहां के ग्रामीण पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग कर रहे हैं। बीती रात को ढोल के सरदारपुरा गांव में पैंथर ने लाल सिंह पुत्र सरदार सिंह की गाय पर हमला कर उसे मार दिया। लगातार हो रहे हमलों से यहां के लोग दहशत में हैं। यहाँ गांव ये कुछ 15 घरों की बस्ती है और यहाँ पे लोगों के अंदर दहशत का माहौल बना बना है। माता जी का गुड़ा से, नाड़ा से सभी ग्राम वासियों के आप प्रशासन से निवेदन है कि हमारे इधर का रक्षा की जाए, हमारी पिंजरा लगाया जाए और हमारे जो है आप सरकार के द्वारा जो साधन सुविधा है उसके जरिए इन जंगली जानवरों को पकड़ाया जाए, हमारा यही निवेदन है। नहीं तो हम उच्च स्तर पर कोई कार्रवाई के लिए धरना देंगे, कलेक्ट्रेट तक पहुंचेंगे और हमारे गांव घड़ा की सारी जनता इकट्ठी होकर वहां प्रदर्शन करेंगे। मैं प्रशासन को यही कहना चाहता हूं कि हम कोई धन दौलत की प्रशासन से मांग नहीं कर रहे हैं। हमारे गांव में पैंथर की बहुत आदमखोर पैंथर है, वो बहुत लोगों को परेशान करता है, हम वही चाहते हैं कि प्रशासन पिंजरा लगाए। वहीं मंगलवार रात को एक पैंथर ने पदराड़ा गांव के पूर्व सरपंच हरि सिंह राणावत के घर में परिसर में बंधे हुए 2 बछड़ों का शिकार कर लिया। हमला रात के 2 बजे किया, तब गायों के रंभाने से लोग चिल्लाए भी, लेकिन तब तक पैंथर 2 दुधारू गायों के 2 बछड़ों को मार कर चला गया और एक का पीछे का हिस्सा खा गया। सुबह इसकी जानकारी मिलने पर दर्जनों लोग एकत्र हो गए और वन विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। ग्रामीणों ने बताया कि विगत 10 दिन से पदराड़ा गांव के आसपास पैंथर दिखाई दे रहा है। उन्होंने पिंजरा, इससे पहले वह एक गाय का शिकार कर चुका है, लगाने की मांग की है। सुवांता को गुड़ा के बंसीलाल मेघवाल ने बताया कि सोमवार रात को करीब 11:30 बजे पदराड़ा के पेट्रोल पंप के पास में पैंथर दिखाई दिया था। वहीं मंगलवार दोपहर को सड़क किनारे एक गाय मृत मिली थी, जिसको गले से दबोच कर मारा गया था। उस पर भी पैंथर के द्वारा हमला किए जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। आदमखोर पैंथर को पकड़ने के प्रयास जारी है। मंगलवार रात को राठौड़ा का गुड़ा में स्थित बेस कैंप से करीब 150 मीटर दूरी पर पैंथर के पगमार्क मिले। इससे ये साफ हो गया है कि पैंथर बेस कैंप के आसपास ही है। हालांकि ये पगमार्क आदमखोर पैंथर के है या किसी दूसरे पैंथर के है, यह कह पाना फिलहाल मुश्किल है। आपको बता दें कि राठौड़ों का गुड़ा के सरकारी स्कूल के बेस कैंप में जो है सर्च अभियान की टीमें रुक रही है। यहाँ पर जो सर्च अभियान की रिजर्व टुकड़ियाँ है वो यहाँ पर रेस्ट करती है, साथ ही विभागों के अधिकारी भी यहाँ पर बैठकर पैंथर को तलाशने की रणनीति बनाते हैं। बेस कैंप से महज 25 मीटर दूर स्थित हनुमान मंदिर के बाहर से पैंथर ने 30 सितंबर को विष्णुगिरी का शिकार किया था। यहाँ से करीब 100 मीटर दूरी पर एक नाला व पुलिया है। इस पुलिया के पास में गत गुरुवार को पैंथर ने मां बेटे पर हमला करने का प्रयास किया था। उससे पहले सोमवार की रात को पैंथर ने बाइक लेकर जा रहे मोहन मेघवाल पर भी इसी पुलिया के पास हमला करने का प्रयास किया था। 3 दिन पहले रात्रि गश्त के दौरान गाड़ी में सवार पुलिस कर्मी को भी पुलिया के पास ही पैंथर दिखाई दिया था। मंगलवार रात को बेस कैंप से महज 150 मीटर की दूरी पर पैंथर के पग मार्क मिलने से अब ये साफ हो गया कि पैंथर केलवो का खेड़ा और राठौड़ों का गुड़ा के बीच में ही घूम रहा है। इन दोनों गांवों के बीच में करीब 1 किलोमीटर की दूरी है। नाले के आसपास खेत है जिनमें फसल खड़ी हुई है और घनी झाड़ियां हैं। पहाड़ियों पर जो है सघन वन है, इस कारण पैंथर आसानी से कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। गौरतलब है कि विभाग की ओर से दोनों गांवों में 50 ट्रैप कैमरे लगवा रखे हैं। ट्रैप कैमरे के सामने से कोई भी गुजरता है तो ऑटोमेटिक ही पिक्चर क्लिक हो जाती है। ट्रैप कैमरे से रियल टाइम फुटेज
डिटेल्स नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि उनके मेमोरी कार्ड को दूसरे दिन सुबह कॉपी किया जाता है, तो सुबह पता पड़ पाता है कि किस कैमरे के सामने पैंथर गुजरा और कितने बजे गुजरा, लेकिन इसमें काफी देरी हो जाती है और तब तक पैंथर वहां से जा चुका होता है। अब रियल टाइम फुटेज लाने के लिए विभाग ने सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं जो सोलर से चलित है और सीसीटीवी का मॉनिटर बेस कैंप में है और कुछ अधिकारियों के पास इसका एक्सेस है, तो जैसे ही पैंथर की मूवमेंट कहीं दिखाई देगी तो बेस कैंप से तुरंत टीमों को अलर्ट दे दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पैंथर को ललचाने के लिए पुलिया के पास में बकरे बांध रखे हैं, वहीं बड़ा पिंजरा भी लगा रखा है जिसमें बारी बारी से दो दो शूटर ड्यूटी दे रहे हैं। बुधवार को अलग अलग पहाड़ियों से दूरबीन के जरिए पगमार्क मिलने वाली जगह के आसपास निगरानी के रखी गई। शाम को SDM डॉक्टर नरेश सोनी, SEF मुकेश सैनी और एडिशनल SP गोपाल स्वरूप मेवाड़ा भी टीम के साथ एक पहाड़ी पर पहुंचे जहां से दूरबीन के माध्यम से नजर रखते हुए टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पैंथर के आने जाने के रास्ते को ढूंढने के लिए रेत व मिट्टी डिलवाई गई है ताकि पैंथर के पगमार्क मिल सके। बुधवार को इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम राठौड़ो का गुड़ा पहुंची। टीम में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एडिशनल PCCF वाइल्ड लाइफ के राजेश गुप्ता, रणथंभौर के फील्ड डायरेक्टर अनूप KR और केवलादेव नेशनल पार्क के DFO मानस सिंह ने स्थानीय अधिकारियों और ग्रामीणों से भी फीडबैक लिया। सायरा ब्लॉक की विस्मा ग्राम पंचायत में मंगलवार को खेड़ा देवी माता मंदिर में टीन सेट का निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया। भाजपा के मंडल महामंत्री जालम सिंह चावड़ा ने बताया कि खेड़ा देवी मंदिर में हर वर्ष नवरात्रि पर्व आयोजित किया जाता है। यहाँ श्रद्धालुओं के बैठने के लिए जगह नहीं थी, परिसर का आंगन भी खस्ता हाल था। तब विधायक प्रताप लाल भील से टीन सेट बनवाने की मांग की गई तो उन्होंने विधायक मत से परिसर की मरम्मत करवाने व टीन सेट का कार्य स्वीकृत किया। बताया कि मरम्मत व टीन सेट निर्माण कार्य पूरा होने पर मंगलवार को उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में पूर्व उप प्रधान पप्पू राणा भील, भाजपा के वरिष्ठ नेता नार सिंह देवड़ा, युवा मोर्चा महामंत्री अर्जुन लाल गरासिया और विस्मा ग्राम पंचायत के उप सरपंच सोन कुंवर चावड़ा, पूर्व जिला परिषद सदस्य शांति लाल गरासिया, पूर्व सरपंच सवाराम गरासिया, BJP कार्यकर्ता भोपाल सिंह, उमेश सिंह, माधु सिंह, महेंद्र सिंह, हनुमान दास, बाबू गरासिया, बूताराम गरासिया, बेहरा राम, पान सिंह चावड़ा, बन सिंह चौहान सहित कई लोग मौजूद रहे। हमारे विस्मा गांव में श्री चामुंडा माता जी, खेड़ा देवी माता जी के यहाँ पे भव्य नवरात्रि प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। ये जो हमारे खेड़ा देवी माता जी के प्रांगण में जो टीन सेट बन के जो तैयार हैं, ये टीन सेट श्रीमान प्रताप जी वैसा विधायक साहब के फंड से, विधायक माल से ये जो ये हुआ है, तो उसके आज ये इसका उद्घाटन हुआ। जो विधायक साहब तो कहीं काम से सलूम्बर बाजार है उपचुनाव के हिसाब से, तो आज ये उद्घाटन जो हमारे पप्पू जी भाई साहब हैं वो पधारे हैं और देवड़ा साहब पधारे हैं और इस टीन सेट का उद्घाटन हुआ है। हमारे गोगुंदा के विकास कोष आदरणीय प्रताप जी के द्वारा जो टीन सेट निर्माण करवाया गया उसका आज उद्घाटन रखा गया। उस मौके पर हमारे विधायक महोदय सलूम्बर मीटिंग में होने के कारण नहीं आ पाए, तो इसलिए मैं और हमारे नार सिंह जी देवड़ा साहब आए और हम सब ने मिलकर आज इसका उद्घाटन किया और माता जी के चरणों में हम सब ने माता जी के आशीर्वाद लिया। और जो हमारे यहाँ पे ग्रामीण जन ने जो कार्य बताए हैं हम विधायक साहब के मार्फत से वो काम और जल्दी पूर्ण करवाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे जो विकास की गति और आगे बढ़ सके। SBI बैंक के शाखा प्रबंधक सत्यवीर सिंह ने बुधवार को पड़ावली कला निवासी कासू कथोड़ी के खाते में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के 2,00,000 रुपए ट्रांसफर किए और पासबुक प्रिंट करके सुपुर्द की। आपको बता दें कि 22 जून को गोगुंदा टोल प्लाजा के समीप कासू कथोड़ी की पत्नी रोड की बाई की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। रोड की बाई ने जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा करवा रखा था। रोड की बाई की मृत्यु के बाद उसके पति कासू कथोड़ी ने बीमा क्लेम दिलवाने के लिए टैक्स कंसल्टेंट मुरली पालीवाल वे एडवोकेट ओम प्रकाश भोई से संपर्क किया, तो मुरली पालीवाल ने बैंक में संपर्क करके क्लेम के लिए कासू कथोड़ी के दस्तावेज तैयार करवाए और क्लेम करवाने में मदद की। बुधवार को ब्रांच मैनेजर सतवीर सिंह ने नॉमिनी कासू कथोड़ी के बैंक खाते में 2,00,000 रुपए ट्रांसफर किए, वे पासबुक प्रिंट करके कासू कथोड़ी को सुपुर्द की। इस दौरान टैक्स
कंसल्टेंट मुरली पालीवाल ने कहा कि लोगों को पीएम सुरक्षा बीमा और पीएम जीवन ज्योति बीमा जो है वो जरूर करवाना चाहिए। गोगुंदा के पशु चिकित्सालय में 2 वेटरनरी मोबाइल वैन बुधवार को शुभारंभ किया गया। ब्लॉक वेटरनरी हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर योगेश शर्मा, डॉक्टर नरेंद्र सिंह झाला, डॉक्टर अविनाश बुनकर ने दोनों मोबाइल वैन का लोकार्पण किया। उन्होंने बताया कि कॉल सेंटर का संचालन सुबह 8:30 बजे से 4:30 बजे तक किया जाएगा। इस दौरान कोई भी पशुपालक अपने पशु के उपचार के लिए 1962 नंबर पर कॉल कर सकेगा। उन्होंने बताया कि मोबाइल वैन का संचालन रोजाना सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक किया जाएगा। श्री सरिया देवी गरबा मंडल की ओर से श्री सरिया देवी मंदिर परिसर में बुधवार को आयोजित गरबा महोत्सव में माँ काली के नाट्य प्रस्तुति दी गई, जिसे देखकर श्रद्धालु जो है रोमांचित हो गए। यहाँ हर वर्ष नवरात्रा के 9 दिन तक अलग अलग सांस्कृतिक व नाट्य प्रस्तुतियों के साथ साथ गरबा नृत्य किया जाता है। मंडल से जुड़े युवा ही नाटक का मंचन करते हैं। मंडल के संरक्षक दयालाल प्रजापत ने बताया कि 1989 से यहाँ गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ हर साल नवाचार किए जाते हैं, साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करने के लिए उपहार भी दिए जाते हैं। नमस्कार, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए डेली राजस्थान को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले।